हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है, इवनिंग का, तो आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, शाम की चाय, तो आज थोड़ा सा जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि आज संडे है, क्योंकि ये घर पर हैं तो चाय पीना है, तो संडे को हो ही जाती है दो तीन चाय। और अदरक मैं बहुत सारा डालती हूँ। पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे कि मैं अदरक ज़्यादा डालती हूँ, तो मैं बहुत ही अदरक तेज़ करके ही चाय पीती हूँ, क्योंकि जब तक अदरक तेज़ नहीं होता ना तो चाय पीने का ना मज़ा ही नहीं आता मुझे, तो बहुत सारा ही अदरक मैं डालती हूँ, इसलिए मेरी तेज़ अदरक वाली चाय पीने की आदत है। एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी? और अभी मैं बन रही है शाम की चाय। और अच्छा, किसी ने इसका पूछा था कि आप मलाई का क्या करते हैं, तो मैं इस तरीके से ना मलाई स्टोर करके और रखते जाती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता 15 दिन की ये हो जाती है, छोटी वाली ये बर्तन है। और उसके बाद मैं इसका घी निकाल लेती हूँ, तो ये मैं फ्रीजर के अंदर रखती हूँ, बस बहुत सारी निकल जाती है मलाई। और तो मैं इसमें खट्टी करती हूँ, और अभी बन रही है शाम की चाय। बज गए हैं, गला खराब, बज गए हैं 5:15, और बस यहाँ बन रही है शाम की चाय। इसको मैं रख देती हूँ फ्रीजर के अंदर। खा लेती हूँ चाय, उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे, वहाँ पर गेहूँ फैले डले हैं, उनको भी मुझे साफ करके और पिसवाना है फटाफट से। वो वैसे भी साफ़ हैं बिल्कुल, ऐसे ही थोड़ा सा देखना है। और ये देखिए, एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, कुमकुम बाली लगाई है मैंने आज, अच्छी लग रही है। मतलब है ना, अच्छा आइडिया है कुमकुम की, लगा लो इस तरीके से गोल, तो मैंने ये लगा ली, खुजलाती थी ना तो बस अच्छा। वो पिछली वीडियो में मैंने जो ली थी ना छोटी सी कढ़ाई, वो देख रही होगी आपको, फ्रिज के ऊपर रखी है, ये मैंने बालों में ली थी। क्या है ना कि बाल झड़ते हैं ना, तो अब नॉर्मल सी बात है, कितना भी कुछ कर लो बालों के साथ ना, वो तो झड़ते ही हैं, थोड़ी बहुत झड़ते ही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको इकट्ठा कर करके महीने भर में तो जुड़ जाते हैं, इतने बाल कम से कम होने चाहिए। तब जाके कोई बर्तन मिलता है, ये अच्छे मिल जाते हैं, मतलब से कोई चीज़ में खाना बनाया और उसमें पलटा के रख सकते हैं। और आप लोग में से किसी ने कहा भी था कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो होता होगा शायद, कहीं कहीं नहीं बिकते होंगे और कहीं कहीं बिकते हैं, हमारे जबलपुर में होता है, बहुत भीड़ लग जाती है जब बाल वाले भैया या कोई भी आता है ना, तो यहाँ पर आते ही रहते हैं, तो अच्छे मतलब कुछ ना कुछ बर्तन मिल ही जाता है, कपड़ों में भी होता है, लेकिन कपड़े ना अच्छे वाले लेते हैं, ऐसे नहीं कि फटे फूटे ऐसे कपड़े नहीं लेते हैं, जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट, साड़ी, कुछ भी जो हम पहनते नहीं हैं, यूज नहीं करते, रिजेक्टेड रहती है ना, तो हम पसंद नहीं करते पहनना, तो उन साड़ी के बदले भी बर्तन मिल जाते हैं। तो इस मतलब हमारे छोटे से एरिया, मतलब ऐसे शहर में ऐसा होता है। तो वो एक आंटी हैं, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ होता तो कितना अच्छा होता है, तो ये बात तो सही है, हमारे इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं और घर बन जाता है, मतलब घर की चीज़ें, किचन की, और ज़्यादातर वो किचन का ही सामान मतलब कि देते हैंगे, जैसे छोटे छोटे बर्तन, कटोरी, प्लेट, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लेती हूँ, करती हूँ ना, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है, और मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, मैं नहीं रोती गाती रहती हूँ, आप लोग देखा होगा, थोड़ा सा रहता है ना सीरियस टाइप का मन रहता है ना, कभी कुछ हो जाता है ना तो सीरियस रहती हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन ऐसे बना के रहती होंगी, ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसा ही रहती हूँ और खुशी रहती हूँ पूरे दिन, मुझे किसी की टेंशन नहीं, मैं क्यों टेंशन करूँ, टेंशन मैं कभी नहीं पालती, जो टेंशन पालता है वो है ना, मेरे तो जितने भी ब्लॉग होते हैं रियल होते हैं, एकदम रियल, कोई दिखावा बनावटी नहीं है, बिल्कुल जो रहता है सामने रहता है, मेरी लाइफ स्टाइल है बिल्कुल सिंपल सी है,
अभी जैसा है तो दिखा रही हूँ, बाद में जैसा होगा वैसा दिखाऊंगी। तो आप वक्त के साथ समय के साथ सारा बदलता बदलता जाता है, हम नहीं बदलेंगे लेकिन घर का या घर की कंडीशन, हमारा पहनना ओढ़ना हर चीज़ बदलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे समय के हिसाब से होता है, लेकिन हम वैसे ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी ऐसा है तो कल कुछ और होगा। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा बात हो गई है, फटाफट से चाय निकालते हैं, बहुत सारी बात कर ली, और आप लोग भी पी लीजिए शाम की चाय हमारे साथ। कब चाय रखी थी मैं पता क्या हुआ भूल गई थी, बिल्कुल अभी बनाई थी मैंने, एक आध घंटे पहले, तो मैंने उसको भी मिक्स कर दी दोबारा, मैं तो भूल ही गई थी। तो मैंने सोचा इसको भी मिला के गर्म कर लेती, इसीलिए आप लोग सोच रहे हो ना, अभी मैंने छान ली थी, फिर से मैं पलटा रही हूँ और छान रही हूँ। आज ना बहुत अच्छी वाली धूप निकली थी, बहुत ही अच्छी वाली। आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए, बहुत सारे। अभी छत पे चलते हैं, चाय लेते हैं, तो जा रहे चल रहे ऊपर ठीक है, अपनी अपनी चाय लो। ये गेहूँ ये भी सूख ही गए हैं, सीत जाते हैं ये थोड़ा सा जब जैसे बारिश वारिश होने लगती है। और ये खटाई मम्मी के यहाँ से आई थी ना आम की खटाई, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा फैला दिया है, इसको भी साफ़ करके इसका मैं अचार बना लूँगी। और ये डले हैं कपड़े पूरे, आज मैंने अच्छे से कपड़े ना धो डाले, आज अच्छी धूप निकली थी, सूख भी गए हैं, बस उठाने वाली हूँ मैं कुछ यहाँ डले। कार्तिक ने भी आज ना टंकी, हाँ आज मैंने टंकी साफ करवाई कार्तिक से, देखिए बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ये, पता नहीं अब सरकारी नल आता है ना तो वो थोड़ा गंदा अंदर सा पानी आता रहता है, गंदी हो गई थी, अच्छी साफ़ कर दी इसको मैंने, खुला छोड़ दी ताकि ये सूख जाए, नल आएंगे तो फिर मैं इसको भरूँगी। काफ़ी दिनों से ये सब नहीं दिखाया था ना मैंने, क्योंकि ये मैंने जमा दिया है फिर से, देखिए अच्छे से मैंने वहाँ लगा दिया है, क्योंकि अभी काम रुक ही गया है, इसी वजह से मेरा थोड़ा दिमाग ना डिस्टर्ब था, तो फिर मैंने रोक दिया है काम, यहाँ पे मैंने सारे लगा दिए डर की वजह से। अभी बच्चे ऊपर आए थे ना, खेलते रहते हैं, कार्तिक का सामान रखा है, खेलते रहते हैं बच्चे बहुत सारे, तो ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं गेंदे के पौधे सब में। टमाटर देखिए ज़रा, टमाटर इतना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तरीके से टमाटर लगे हैं, ये देखिए इनमें भी फूल आ रहे हैं, बनेंगे टमाटर कुछ इसमें लगे हैं, और बैंगन भी आने लगे हैं, देखिए फूल आए हैं बैंगन के, तो बैंगन का ये फूल है, एलोवेरा है सब। और ये वाले भी देखिए ये भी लग गए हैं अच्छे से, एक में तो शायद फूल भी आने लगा है, आपको दिखाती हूँ, ये दिल भी आ रहा है टूट ना जाए, छोटू सा फूल आ रहा है, कितना प्यारा, तो छोटा सा पेड़ है और फूल आने लगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर, और मैंने चाय बना ली थी, चाय मैं अपनी लेकर आ गई हूँ, ये भी लेकर आ गए तो पी रहे हैं, और मैं यहाँ पर गेहूँ को साफ़ करते करते पीते जाऊँगी, क्योंकि आज आटा बिल्कुल से भी ख़त्म हो गया है, तो बस इनको जल्दी से मैं अच्छे से साफ़ करके, वैसे भी साफ़ रहते ही हैं जब मैं इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ, सुखाती हूँ ना, फिर उसके बाद कोई भी इसमें कचरा नहीं रहता है, ना मिट्टी कुछ भी नहीं रहता है, बस यह एक नज़र और मैं देख लेती हूँ ताकि कोई कचरा वगैरह या कोई कंकड़ ना रहे, और बस फटाफट से मैं ये गेहूँ साफ़ करके बोरी में भर के और इनको दे दूँगी, तो ये आज पिसवा कर ले आएंगे, क्योंकि आज संडे है तो घर पे ही हैं, तो अभी 5:30 हो गए हैं, चाय बनाते बनाते तो आप लोगों के सामने 5:15 इस टाइम हो ही गया था,
और मैंने थोड़ी से और ये लहसुन रख दिए थे। लहसुन इस हफ्ता भी मैं लेकर आ गई थी, अभी ना इस टाइम पे लहसुन सस्ता मिल गया ना, तो मैं लेकर आई हूँ और छील कर पेस्ट बनाकर कुछ पाउडर बनाकर इस तरीके से स्टोर करके रख लूँगी। आसानी रहती है थोड़ा सा खाना बनाने में। और बस यहाँ पर मैं ये काम वगैरह करने के बाद, और ये मैंने दे दिए थे पिसवाने के लिए, तो ये पिसवा कर ले आए हैं और मैं इसको भर दूँगी जिस डिब्बे में रखती हूँ, इसी डब्बे में मैं रख लेती हूँ। मैं ज़्यादा ही करके पिसवा लेती हूँ अब, जिससे कि ताकि 1.5 महीने 2 महीने आराम से निकल जाए, क्योंकि फिर मौसम कैसा हो जाता है कैसा नहीं पता नहीं रहता। और बिना धुले गेहूँ के मैं कभी आटा नहीं पिसवा गेहूँ नहीं पिसवाती हूँ, धोकर ही पिसवाती हूँ। कभी जब मजबूरी हो जाती है तभी ऐसा होता है कि मैं बिना धुले गेहूँ पिसवा लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं डब्बे को साफ़ कर दूँगी, थोड़ा आटा वगैरह लग गया था तो। और बस आटा वगैरह बनने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना में मैं आज बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो थोड़ी सी छोटी सी लौकी रखी हुई थी, बहुत ही छोटी सी, सब्जी बनाती तो नहीं होती और खाते भी नहीं। लौकी तो ऐसा रहता है कि बहुत से लोग इसको नहीं खाना पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा 99% अगर 90% अगर बोलूँ ना, तो बहुत से लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, ना हक मुँह बनाते हैं। मैंने देखा है ऐसा, मेरे घर में भी नहीं खाते हैं, ना ही मेरे मायके में ससुराल में कोई लौकी पसंद नहीं करता है। तो मैं ना इसका ज़्यादातर यूज या तो मैं ये कोफ्ते बना लेती हूँ, इस तरीके से ये लोग खा लेते हैं। अभी आप लोग देखिएगा जब मैं बनाऊँगी, तो इस बार कार्तिक ना सूखे ही खाया है एक, तो उसने टेस्ट किया तो अच्छा लगा। और एक और इसका मैं ये बना लेती हूँ, इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है, लौकी की खीर हलवा ये हो गया, और खीर तो अच्छी ही लगती है। तो बस मैंने उसको अच्छे से किस लिया था लौकी को, और उसके बाद उसमें से जितना पानी था वो मैंने निचोड़ दिया। और हाँ, पानी मैंने बिल्कुल भी फेंका नहीं है, पानी मैं इसी में यूज करने वाली हूँ मसाले में ही। तो बस थोड़ा सा ही मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि इसमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी हमारी लौकी है उससे बिल्कुल थोड़ा सा ही, मतलब जैसे कि मैं क्या मेजरमेंट बताऊँ, मैंने अंदाजे से ही डाल लिया है। लेकिन लौकी दिखनी चाहिए, लौकी के जो लच्छे हैं ना वो दिखने चाहिए, और कम ही डालना है तो ताकि ये अच्छे लगे, थोड़ा सा टेस्ट आए। और बस मैंने एक ही दो मसाले डाले थे, जैसे कि हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा अजवाइन डाला था। अजवाइन ज़रूर डालें, अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए मैंने इस तरीके से बॉल्स बना के रख लिए हैं, और इसके बाद इसमें मैं तल लूँगी। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कार्तिक को बहुत शौक लगा है, एक दो दिन से उससे काम किया मैं बोलती हूँ करने के लिए ना, तो हम भी करेंगे कर रहे हैं। और बस उसने 2 डाल दिए हैं, उसको खुशी मिल गई। बाकी मैं डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बस इस तरीके से ना आजकल कार्तिक सुनने लगा है काम, कभी कभी ना पता नहीं किस टाइप का करेगा और कभी कभी सुने। अब हाथ भी बैठ जाएंगे, आटा भी सानना है। कार्तिक ने आटा में पानी डाल लिया। अब आटा बनेगा या कब बनेगी उसकी लफ से ही रोटी सानो, अच्छे से अस्तिन के ऊपर करो। आटा सानेगा एक बार, और साना था उसने, बन जाएगा और का साना। कार्तिक आटा सान रहा, आटा कम सानेगा, पहलवानी करेगा वो आटा में। कर जल्दी करो जी, क्या कर रहे हैं, मिला जल्दी जल्दी तो ऐसे दोनों हाथ से। वाह भाई कार्तिक भी ना यार, पानी लेके आओ, और चाहिए पानी है? बताओ जिंदगी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ इसको। नहीं, एक बार और सुना था उसने। नहीं, अपना ये देख के जरा, ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं। पानी ला रहे। तो कार्तिक बाहर ले जाकर आटा माड़ रहा है, थोड़ा सा आटा गूंथ रहा है, क्योंकि उसने वैसे एक बार और उसने बहुत छोटे में किया था और बहुत अच्छे से आटा लगा लिया था, और अभी भी वो लगा रहा है। और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से आटा उसने बनाया है।
यहाँ पर मैं साथ के साथ ये भी बनाते जा रही थी और उसको देखते जा रही थी। रोटियाँ मैं बाहर ही बनाऊँगी चूल्हे पर, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी पड़ने लगी ना, तो मैं बाहर ही बना रही हूँ रोटियाँ। तो और ये यहाँ पर मैंने तल कर निकाल लिए थे जो कोफ्ते हैं, उसके बाद मैं ये मसाला अच्छे से भून लूँगी। बन गया? हाँ यार बन गया। अभी तो पानी डलेगा और दिखा, नहीं तो तुम गीला कर दोगी। हाँ सही है, अभी हमको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। कार्तिक ने अच्छा लगा है ना आज। कार्तिक रोटी सब काम सबके बस का नहीं है, समझे? आटा मारेंगे। तो यहाँ पर मैं मसाला भूनने के लिए रख कर गई थी और देखिए नमक डाल कर गई थी ना, तो ये जल्दी से भुन जाता है और ज़्यादा उछलता भी नहीं है। और इसमें रूटीन के जो मसाले हैं वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी ग्रेवी के अनुसार, और पानी ग्रेवी अच्छे से जब उबल जाएगी तो इसके बाद मैं उसमें कोफ्ते डाल दूँगी। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर, रोटी बना रही थी। रोटियाँ मेरी बन चुकी है, ये लास्ट रोटी है और ये मोटी वाली रोटी मैं बना रही हूँ आज, तो क्योंकि कार्तिक को खाना है, पहले खा चुका है ये और मैं बनाती थी, और मतलब मम्मी भी बनाती थी मेरी, तो ये खाता है। और इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। ये रोटी बहुत ही अच्छी बनती है चूल्हे पर ना, बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक वाली रोटी ना थोड़ा सा अच्छी लगती है और घी के साथ। तो इसको मैं थोड़ा सा मोटी ही बनाऊँगी और बहुत टाइम थोड़ा सा लगेगा इसमें सेकने में, कम से कम 5-10 मिनट लग जाएगा। तो इसको अच्छे से धीमी आँच पर जैसे अंगार होते हैं उसमें सेकूँगी। तो अभी आप लोग देखिएगा, इसको मैं बेल लेती हूँ। कम से कम 4-5 लोई के बराबर ये एक रोटी मैंने बनाई है, तो इसको बहुत अच्छे से सेक लेंगी। यहाँ जब तक मैं खाना लगा देती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो वहाँ पर बैठ कर खाएँगे, तो उनको मैं यहाँ पर ये। और देखिए अच्छे से बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं ये कोफ्ते और बहुत ही टेस्टी बने थे। और घी भी लगा दूँगी रोटियों में, तो जब तक इनको मैं खाना दे दूँगी। वो वाली रोटी भी सेक ही रही है, तो वो लोग देख रहे हैं थोड़ा, और मैं यहाँ खाना लेने आ गई थी। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से अभी सेकी है, पर ये अभी नहीं सेकी है, इसको ऐसे चूल्हे के ऊपर तवा उतार कर फिर सेकना पड़ेगा इसमें। तो ये इस तरीके से इसको अच्छे से सेकना पड़ेगा धीमी आँच पर। बहुत ही अच्छी बनती है कुरकुरी, एकदम गांव के तरीके से, विलेज स्टाइल, बहुत ही इस तरीके से बनाई जाती है। हम लोगों ने बहुत खाई है ऐसी रोटी और अच्छी लगती है। इसके साथ अगर थोड़ा सा गुड़ ऊपर से जैसे कि घी डालकर, और इस पर खूब सारा मैं घी डालूंगी, तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पिघलाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, और बहुत ही अच्छी लगती है। और गुड़ के साथ खाओ ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये रोटी बनाई है मैंने कार्तिक के लिए, कार्तिक खाएगा, और आज थोड़ी सी सब्जी भी खाई थी। और यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा बन गया था और अच्छा बना था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और यहाँ कार्तिक खा रहा है खाना, तो बस आगे आप लोग देखिए। आज अच्छी लगी? खाते नहीं हो ना कभी? आज फर्स्ट टाइम कार्तिक कोई सब्जी खा रहा है, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम खा रहा है। और ये भिंडी भी तो खाया कई बार। हाँ कब खाया था, जब स्कूल जाता था। 2 साल हो गए 2 साल पुरानी बात हो गई तो खाया तो खाना। हाँ आज कोफ्ते खाया, और वो भी 4 मंगे थे, एक ख़त्म कर दिया, 3 रखा है। और ये कार्तिक की फेवरेट रोटी, इसमें मस्त अभी मालूम बढ़िया वो गुड़ गुड़ लगा के खाओ, मज़ा आ जाता है। हमने खाई है बचपन में, वैसे ऐसी भी अच्छी लगती है, टेस्टी है ना। खाके अच्छी लगी? खा लो इसमें। रोटी ये है ना, वो वाली खाएगा जे नहीं खाओगे जी, खा लो इसी में, खा लो लगा के खा लो।
हाँ तो अब तुम ना रोटी बनवाई है मोटी, थोड़ा थोड़ा ले लो खा लो, इतना बड़ा बड़ा पीस खा लो, ठीक है।